हर व्यक्ति का एक अरमान होता है, मेरा एक बहुत सुंदर सा घर हो, एक छोटा सा प्यारा सा परिवार हो। सच भी है, रोटी कपड़ा सबकी जरूरत है और उसे रखने के लिए सुंदर से मकान की जरूरत है। लेकिन क्या रोटी कपड़ा मकान जीवन जीने के लिए पर्याप्त होता है? ये जो बाह्य खुशियां है ये तो क्षणिक है, वास्तविक सुख तो है आत्मन तब होगा जब तुम इस जड़ ग्रह के प्रवेश के साथ साथ अपने निज चेतन ग्रह में प्रवेश करोगे, जहां निरंतर ज्ञान के झरने बहते हैं। ये ईंट चूने का मकान तो कभी भी ढह जाएगा, लेकिन निज चेतन ग्रह तो अनंत काल तक वैसा ही बना रहेगा। तो हे चेतन ग्रह के वासी, अपने नवीन ग्रह में ऐसे भावों से प्रवेश करो जहां मां के आशीषों की दीवार हो, जहां गुरु मां के ज्ञान के स्तंभ हो, जहां वीतरागी मां के वात्सल्य की फर्श हो, जहां मां की करुणा के रोशनदान हो, जहां मां की ममतामयी फर्श हो और जहां मां के अनंत ममता के अनंत वात्सल्य की छत हो और जहां मां के वीतरागी नयनों के झरोके हो। और जहां ये सब होगा उसी को तो घर कहते हैं। और बाह्य ग्रह के साथ साथ हे चेतनात्मन, ऐसे अपने निज ग्रह में प्रवेश करो कि तुम्हें तुम्हारा बाह्य ग्रह भी मंदिर के समान लगने लगे और उसमें रहने वाली प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का दर्शन हो जाए। आओ ऐसे ही भावों से ग्रह प्रवेश करो।